ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा है। हम लोग चलते हैं, मालूम है कहाँ से कहाँ तक है ये। किलोमीटर पूछेंगे तो समझ जाइए कि 400-500-600 के इधर, उससे भी ज़्यादा के दायरे में आता है। इधर से तेल गैस ये सब निकलता है, डीजल पेट्रोल इसी ज़मीन से निकलता है। वो मशीन से चेक करते हैं, जहाँ पे उसका खादान मिल जाएगा वहीं पे लोग लगा के उसको तेल गैस सब चीज़ निकालते हैं। बोरिंग करने वाला काफ़ी बड़ा बड़ा मशीन होता है, हम लोग देखे हैं। फिलहाल अभी इस एरिया में नहीं है, लेकिन इस एरिया में काम हो चुका है, चारों तरफ पाइपें नज़र आ रही हैं। और इन सब एरियों में यानी कि ना पेट्रोल पंप रहेगा, मतलब बहुत यानी कि डेंजरस एरिया है। ये सब पाइपें वही हैं तेल गैस वाले। ये देखिए अभी ये सब बालू इलाका में, रंबल इलाका में, रेगिस्तान इलाका में पाइप का मतलब क्या है, यानी इसी में से ही डीजल गैस पेट्रोल निकाला जा रहा है। पहले यहाँ पे खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद उस तेल को, कचरे वाले तेल को निकालते हैं, फिर इसको रिफाइन करते हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे जहाँ जहाँ भेजना होता है भेज देते हैं। देखिए वो सब पूरा स्टेशन लगा हुआ है, सब वही एरिया है। एक हमारे सदिक मिले थे आरामको में काम करने वाले, वो बता रहे थे कि जमीन के अंदर बहुत नीचे ड्रिल करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये गैस पेट्रोल मिलता है, और बहुत खर्चा लगता है इसको निकालने में, बहुत खर्चा लगता है। और देखिए रास्ता कहाँ कहाँ जाएगा, कफू, कतर, यूएई, ओमान, ये रास्ता जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, पुलिया बन रहा है, ये थोड़ा मिट्टी टाइप इलाका है, रंबल बालू उलू नहीं है, बालू को रंबल कहते हैं अरबी में। यहाँ से राइट मार के ये रास्ता एमिरेट्स यानी दुबई, कतर, ओमान के लिए चला जाता है, यहाँ से ये रहा रास्ता। और मुझे इस कुबरी के नीचे से जाके राइट मार के ऊपर चढ़ जाना, कुबरी बोले तो ब्रिज, और मैं यहाँ से राइट मार के चढ़ जाऊंगा। ये देखिए रोड पे बालू आ गया है, हवा तेज चलेगा तो यही होता है, रोड पे बालू आ जाएगा, इसको साफ करना पड़ता है। अब मुझे सीधे चलना है, उसके बाद फिर आगे से। ये देखिए नजारा सऊदी अरबिया। अभी देख लीजिए, या तो यहाँ पे तेल निकल रहा है, नहीं तो गैस, यही दोनों में से कुछ एक चीज निकल रहा है। आप लोग देख लीजिए सऊदी अरबिया में तेल गैस कैसे निकाला जाता है, ये वही जगह है जहाँ से तेल या गैस निकल रहा होगा। एक ये हो गया और दूसरा वो, ये सब एरिया तेल गैस निकालने वाला पूरा एरिया देख लीजिए। ये नीचे ड्रिल करके तेल होगा या तो गैस होगा निकाला जा रहा होगा, और ये सब उसी की मशीनरी है। और इस एरिया में तेल गैस का बराबर सुगंध आता रहता है, अभी भी वही है, तेल या गैस का ऐसे ही यानी कि स्मेल आता रहेगा। ये पूरा इलाका वही है तेल गैस वाला, इसी जमीन के अंदर से तेल गैस ये सब निकलता है, ये सब इलाका वही है। ये पहाड़ जैसे लग रहा, पहले पानी था क्या था, ऐसे कट यानी कट लगा हुआ है, या तूफान ज़्यादा चला है तो
कट गया है, ऐसे कुछ मालूम पड़ता है, आप लोग देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं। या तो पहले इधर पानी हो बहुत हजारों साल पहले, या नहीं तो बस तूफान चल चल के ऐसा कटा हो। और मुझे जाना है स्वामा कंपनी में, वो दूर नजर आ रहा है, वो आप देख सकते हैं, उसी कंपनी में जाना है, वही है स्वामा कंपनी। अभी पहुंचते हैं नजदीक। ये रोड काला क्यों दिख रहा है और उधर लेफ्ट साइड में सफेद क्यों? क्योंकि ये रोड बना है अभी अभी, अब यहाँ से राइट मार दूंगा कंपनी में जाने के लिए। और वही कंपनी जो दिखाई दे रही है तू, वही कंपनी स्वामा, गेहूँ का मिल, उसी हम लोग लोड करते हैं आटा, दूसरा कोई लोड करता। फिर यहाँ से राइट, ये दोनों सड़क के बीच में जो है वो है नाला, इसमें बहुत मच्छी होती है, मछली, लेकिन उसको मार के खा नहीं सकते, मार के खाने के लिए ममनू है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं गंदा पानी है, इसके लिए उस मच्छी को खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो बहुत सख्ती से ममनू है, उसमें गलती से भी नहीं उसको मार सकते मछली को। तो छोटा सा वीडियो बनाया था एक आदमी के साथ, इसको डाल दूंगा इसमें। यही नाला है, पानी है थोड़ा, ज़्यादा नहीं है, दिख रहा होगा। ओहो दादी भाई, अब बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये नहीं कि छोटा छोटा, बड़ी बड़ी मछलियाँ। और कंपनी के धीरे धीरे करीब आते हुए, पानी कमती है, गहराई तो बहुत, लेकिन पानी अभी कमती है। और देखिए जिस कंपनी में मुझे जाना है उसका बाउंड्री यहीं से स्टार्ट है, यही है स्वामा, ये हफूफ में और अलहसा दोनों एक ही में है, हफूफ अलहसा बाउंड्री के पास आ गया हूँ अभी, आगे जाके लेफ्ट मार के फिर इसका गेट मिलेगा सामने। खजूर का खेती देख, खजूर बहुत उगाते हैं लोग। ये लकड़ी का खंबा, सऊदी में भी देख लीजिए लकड़ी का खंबा होता है, देख लीजिए लकड़ी के खंबे में करंट जा रहा है, यहाँ पे बिजली को बोलते हैं कारबा, कारबाई, कारबा, कारबा की खारबा, ऐसे खारबा ऐसे कुछ बोलते हैं, इसी दोनों में से कोई एक बोलते हैं। और मुझे यहीं से लेफ्ट होना है, लेफ्ट। पंखा मेरा गिर गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से लेफ्ट हो गया। और जस्ट मैं जो सीधा जा रहा हूँ यहीं पे है एक डेयरी फार्म कंपनी, नादा, नादा कंपनी है, और एक कंपनी में आ गया और वो रहा गेट सामने, और ये जस्ट सामने वाला नादा कंपनी है, जो सामने दिख रहा वही है नादा कंपनी, नादा। अब मैं कंपनी में आ गया, 9:30 बजे चला था और 2:15 बजे करीब मैं कंपनी में आ गया, और 769 किलोमीटर गाड़ी चला दिया हूँ, लेकिन जब चला था तो 470 किलोमीटर था, उसमें से माइनस करके जितना चला उतना चला। और यही रहा कंपनी, और गाड़ी कल लोड होगी, आज नहीं कल, क्योंकि जुम्मा शनिचर सरकारी छुट्टी होता है, तो छुट्टी है, और गाड़ी कल लोड होगी। एक गाड़ी और आएगी मेरे कंपनी की, देखते हैं कब आती है। मैं आ गया, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।